जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आपके GD, ठीक है, GD बैच जो आपका है 02/2020 के एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए गए हैं। 2020 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी इस प्रकार से जो प्रोसेस रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है और गाइज ये जल्द ही आपके लिए आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरीके से डाउनलोड करना है। और गाइज उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। गाइज अभी मैं हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन कोस्ट गार्ड की और यहाँ पर अभी मैं एक लिंक दूंगा आपको, उस लिंक पे आपको चले जाना है, ठीक है गाइज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है, इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, ओके वहाँ से क्लिक करना है और इसके ऊपर आ जाना है आपको। और इस पेज पे आने के बाद में आपके पास होना चाहिए गाइज, यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपकी ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा DOB, और DOB को किस फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे लिखना है दिया गया है, ईमेल आईडी आपने जो यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। और जो डाउनलोड करने का प्रोसेस है ये देखिएगा, 15 से 22 फरवरी के बीच में आप डाउनलोड कर ले अपना एडमिट कार्ड, आज ही रिलीज हुए हैं रात को गाइज, तो आप इसे अपने अभी अभी डाउनलोड कर ले। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे गाइज क्या है कि आपका DOB है ना वो इस फॉर्मेट में डालना, जैसे एग्जाम्पल 1/5/99 किसी का डेट ऑफ बर्थ तो आपको डालना है 01 और स्लैश डालना है, फिर 05 फिर दोबारा से स्लैश 1999, ठीक है। 1 डिजिट वाले हैं ना पहले वाले तो वो अपने 0 लगा दें। और इसके बाद में यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप करना है और यहाँ से आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना, यदि कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रीसेट कर लेना। तो गाइज मैं यहाँ पे डाटा इनपुट कर देता हूँ और आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ एक एडमिट कार्ड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स सब वो फिलअप कर दिया, आपको भी फिलअप कर देना और गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। गेट डिटेल्स पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे गाइज देखिएगा ये नया पेज ओपन हो चुका है और यहाँ से आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इधर वाले में आ जाना आपको प्रिंट एडमिट कार्ड इस पर, ठीक है। और आपका 27 फरवरी को इनका एग्जामिनेशन है और ये सेंटर एग्जाम सेंटर, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं एडमिट कार्ड, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी थी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन और, तो आप उसको जरूर से वॉच कीजिएगा। और गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया आपका एडमिट कार्ड और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर सी ब्लॉक सेक्टर 62 इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा के अंदर यूपी के अंदर इनका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इधर गाइज, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि नाविक जनरल ड्यूटी का है और 27 फरवरी टाइम सुबह 7 बजे थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या करें यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में, CBSE है और 85.40 मतलब परसेंटेज है, और फिजिक्स में ये देख सकते हैं आप, ठीक है, फिजिक्स में 85 नंबर और मैथ में 88 नंबर है। तो ये हरियाणा से हैं गाइज, तो इनका देखिएगा कट ऑफ क्या सीन रहा है वो अलग अलग इसके हिसाब से रहेगा, ठीक। तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो अलग अलग है सभी का, और आपका जो भी कट ऑफ है आपका एडमिट कार्ड आ गया है, यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपका कट ऑफ कितना था, आपका मतलब मार्क्स कितना था और आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, किस स्टेट से थे आप, किस जोन से थे, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि सभी कैंडिडेट्स का हेल्प हो सके। और गाइज मिलता हूँ एक और नए अपडेट के साथ, अब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। और गाइज आप 15 से 22 फरवरी के बीच में डाउनलोड कर ले, बाद में साइट है वो स्लो हो जाती है, तो अभी से डाउनलोड कर ले। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।